हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई में एक्स का एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहला काम हम सेम बिल्कुल वही करते हैं, एफ एक्स हमारे पास फंक्शन लेते हैं। इस फंक्शन को हम जो है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री बाई में एक्स के पावर फोर ऑन पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट पॉइंट फाइंड करने हैं जिसपे हमें ना जो वो पॉइंट हमारा जिसपे ना ये इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, तो एक्स डैश एक्स इक्वल टू हमने जीरो यहाँ पर पुट किया। ठीक है, अब एफ डैश हमने जीरो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास देखते हैं कि जो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन थ्री बाई में एक्स की पावर फोर है इज इक्वल टू जीरो है, इसको सॉल्व करेंगे थ्री एक्स की पावर सिक्स माइनस का थ्री बाई एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू जीरो हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, थ्री एक्स की पावर सिक्स माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स की पावर सिक्स इक्वल टू थ्री, एक्स की पावर सिक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का यहाँ पे वन हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं इंटरवल की, तो हमारे पास जो है दो पॉइंट मिले, एक प्लस वन मिला एक माइनस वन मिला। तो पहले हम देखते हैं कि माइनस वन से जब छोटा रहता है एक्स की वैल्यू तो हमें जो है क्या मिलता है। तो वैल्यू हमने यहाँ पर देखा कि जब एक्स की वैल्यू हमारी जो है माइनस वन से छोटी है तो हमारा ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर हमारे पास होल पॉइंट की पॉजिटिव है। अगर माइनस वन से वन के बीच में चेक कर लेते हैं एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूमरेटर तो हमारा निगेटिव आएगा लेकिन डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो होल क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और अगर मैं वन से बड़ा इंटरवल लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, होल क्वांटिटी विल भी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम जो है इसको आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के टेबल के बेस पर हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज इंटरवल माइनस वन एंड क्लोज इंटरवल वन टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल हो गया। और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन से लेकर के वन तक क्लोज इंटरवल एंड एक्सेप्ट एक्सपेक्ट हमारे पास जो है जीरो, जीरो को हम छोड़ करके। तो हमारे पास जो है हम आसानी से देख रहे हैं कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके एफ डैस एक्स की वैल्यू जीरो रख करके हम आसानी से जो पॉइंट मिलता है उसे हमें इंटरवल मिल जाता है। और साइन को देखते हुए हम बता सकते हैं कि किस इंटरवल के अंतर्गत जो है हमारा फंक्शन जो दिया गया है वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के अंदर यह फंक्शन हमारा जो है डिक्रीजिंग है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।